वहीं गरियाबंद जिले की कोतवाली पुलिस ने कुशियार बरछा कचना धुरवा के पास नाकाबंदी पॉइंट लगाकर वाहन चेकिंग के दौरान ओडिशा की ओर से आ रहे स्कूटी सवार दो लोगों को पकड़कर उनके पास से 50 लाख रुपए कीमत की 775 नग हीरा बरामद कर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पकड़े गए हीरा तस्कर पिता पुत्र खोकन ढली और विप्लव ढली को माइनिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी गरियाबंद एसपी श्री ठाकुर ने इस प्रकार। देखिए, अभी कल सुखबीर से सूचना मिली थी कि सोभा थाना क्षेत्र में कुछ हीरे के तस्कर आए हुए हैं, जो कि जुगाड़ क्षेत्र से भी हीरे के कुछ नग लेकर के उड़ीसा की तरफ जा रहा है, जिस पर सोभा थाना के पास घेराबंदी किया गया था और उसमें एक स्कूटी में दो लोग सवार थे। उनके वाहन को चेक करने पर पता चला कि ये इनके पास 745 में हीरा मिला, जिस संबंध में उनसे वैध कागजात की मांग की गई। इनके द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर साबक थाना शोभा में इनके खिलाफ 379 और इसके अलावा 421 माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपी गिरफ्तार कर अभी न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखिए, हीरे की कीमत एक जो होता है जो तराशा हुई हुआ रहता है उसकी कीमत अलग हुई, इसकी कीमत अलग हुई। इसकी कीमत लगभग 50 लाख के आसपास होगी, क्योंकि मार्केट रेट से हम इसमें कम बता रहे हैं, क्योंकि अभी ये तराशा हुआ नहीं है, फिर भी इसकी कीमत 50 लाख के आसपास है।